गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पेशेंट एजुकेशन सीरीज। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एस्थमा एंड इनहेलर्स। वेल, कॉमन पब्लिक को अभी रिसेंटली लॉन्च हुई बेल बॉटम मूवी देखी होगी, जिसमें हीरो की माँ को इनहेलर नहीं मिलता है और वो मर जाती है। ऐसे ही हमने बहुत सारी और मूवीज देखी हैं जहाँ विलन टॉर्चर करता है पेशेंट को इनहेलर को दूर रख के और मर जाते हैं। बट इज दैट द रियलिटी ऑफ इनहेलर्स? Well, I do remember the pre-inhaler era, जब डेरीफाइलिन के इंजेक्शन, स्टीरॉयड के इंजेक्शन, स्टीरॉयड की गोलियां देने के बाद भी पेशेंट को कभी इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता था। एंड देन केम दैट इरा ऑफ इमीडिएट रिलीफ विद इनहेलर्स। और इनहेलर्स भी मल्टी डोज से कॉम्बी थेरेपी, नेबुलाइजेशन, स्पेस हेलर्स, एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ एंड विच हैज चेंज द वर्ल्ड एंड लाइफ फॉर एस्थमा पेशेंट्स। वेल, आज हमारे साथ NCR से एक बहुत ही रिनाउंड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, इज विद अस, डॉक्टर हेमंत कालरा। लेट मी हैव द प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिम। डॉक्टर हेमंत कालरा इज फ्रॉम द प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड डिड हिज पल्मोनरी मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज मेडिसिन फ्रॉम द ओनली चेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच इज डेवलप्ड बाय पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली। He further honed his skills in European diploma with respiratory medicine. He has worked with hospitals like Max, Pitampura, MGS, Punjabi Bagh, Maharaja Agrasen, Kalra Hospital, Bhagwan Mahavir Hospital, and today he's the head of the department at Maharaja Agrasen Hospital. He's also done his interventional pulmonology from Italy, pulmonary vascular disease fellowship from Switzerland, pediatric bronchoscopy from Paris, and medical thoracic from Greece. He is a member of more than 10 international national societies. I welcome you, Dr. Kalra. Thank you. So, Dr. Kalra, I'll start from the basics and thanks for being with us today. Hum bolte hain damay ka mareez. Phir kehte hain, nahin, mereko toh allergy hai. Nahin, nahin, asthma hai, bronchitis hai. Can we start ki in sari cheezon mein difference kya aur dama hota kya? Dekhiye, abhi bhi... इतने साल होने के बावजूद भी हमारी पब्लिक में ये मिथ्स रहते हैं कि अस्थमा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। ये एक मिथ है, इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ। एलर्जी जो होती है, हम नॉर्मली देखते हैं जब भी किसी को नाक की एलर्जी होती है, नजला जुकाम होता है, केमिस्ट पे जाते हो, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, पर फिर भी केमिस्ट आपको एक सेल्ट्रीजिन की गोली दे देते हैं और आप ठीक हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड एलर्जिक रनाइटिस, है ना। वो तब तक तो लोगों को ठीक है, इट इज एलर्जिक रनाइटिस, ठीक हो जाता है। व्हेन दिस एलर्जी गोज डाउन इन द लंग्स, इन योर विंड पाइप्स, दिस इज कॉल्ड एस्थमा। इट इज अ सिंपल एलर्जी विच गोज डाउन इन द विंड पाइप्स, इट इज कॉल्ड एस्थमा। इसको आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हो, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हो। इट इज अ सिंपल एलर्जी, दैट्स ऑल, नथिंग सीरियस। एग्जैक्टली सर, और एस्थमा का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेशेंट रिलीज करता है, वो भी मूवीज में दिखाने वाली वो खांसी और बाबाजी नहीं है, राइट। बेसिकली जब छाती में से सीटियों की आवाज आती है तो डॉक्टर समझाते हैं कि आपको हो सकता है एस्थमा हो। लेकिन सर, एस्थमा ट्रिगर किस चीज से होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे कन्फर्म होता है? देखिए, क्योंकि एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। सबसे पहले तो द कॉमनेस्ट थिंग इज क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट जिस तरह की हिस्ट्री देता है ना, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होगी, अपनी खुद की हिस्ट्री होती, पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट कहेगा, भाई आई वॉज ऑल राइट 2 ईयर्स बैक, स्टार्ट नाउ पूरे 2 साल में ठीक करा और अभी मुझे दिक्कत होनी शुरू होगी। तो दिस इज काइंड ऑफ इंटरमिटेंट डिजीज, बीच बीच में होती है। कुछ टाइम तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं और फिर एकदम ट्रिगर कर जाते हैं। तो ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं, देर आर आउटडोर ट्रिगर्स जो बाहर मिलते हैं, एनवायरनमेंट में मिलते हैं, और कुछ इंडोर ट्रिगर्स भी होते हैं। उसमें कॉमन जो ट्रिगर्स होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जो इंडोर ट्रिगर्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है डस्ट माइट्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको हम डस्ट माइट्स कहते हैं। अंदर घर के अंदर फंगस होती है, जहाँ पे सीलन होते हैं, कॉकरोच होते हैं, और घरों में कुछ लोग पेट्स भी रखते हैं, डॉग्स एंड कैट्स रखते हैं। दीज आर द कॉमन इंडोर एलर्जेंस। आउटडोर में जब हम जाते हैं तो आउटडोर में सबसे कॉमन जो होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो एरिया वाइज
वेरिएबल होते हैं, जैसे दिल्ली में हमारा जो पोलन सीजन होता है सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल में होता है, जब बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, मौसम चेंज भी होता है और पोलन सीजन भी होना शुरू हो जाता है। तो आउटडोर एलर्जेंस आर डिफरेंट फ्रॉम इंडोर एलर्जेंस, ये सारे ट्रिगर्स होते हैं। जब भी हमें किसी को भी एलर्जी है या उनकी फैमिली हिस्ट्री एलर्जी की है, एलर्जिक राइनाइटिस की है या एलर्जिक एस्मा की है, उनका इन चीज़ों को एक्सपोजर होता कभी भी होता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो आप कह रहे थे, छाती से आवाज आना, वीजिंग होना, सीटियाँ जैसा बजना, नजला जुकाम होना, छींके आना, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, पीछे गले में बलगम आना, खांसी होना, ये सारे एलर्जिक एयरवे डिसऑर्डर के सिम्टम है। नाक की एलर्जी हो या चेस्ट की एलर्जी हो, ये सारे सिम्टम उसी पे बताते हैं। सर इसमें पॉल्यूशन, जो दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन है, उसका कोई रोल है? भाई पोल्यूशन तो हर चीज को बढ़ाता है। अगर आप ऑलरेडी एलर्जिक, भाई पोल्यूशन कोई सिगरेट पीता है, अगर उसको एलर्जिक डिसऑर्डर है, जो एलर्जिक डिसऑर्डर में जो इंफ्लेमेशन होता है, दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन, डिफरेंट इंफ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर। आप जो पोल्यूशन में जाते हो या सिगरेट पीते हो, या हमारे जैसे गांव में जो महिलाएं होती हैं चूल्हे पे काम करती हैं, फीमेल्स होते हैं, उनका जो एक्सपोजर होता है चूल्हे में, उन लोगों को जो इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना, वो दूसरी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है। तो दोनों इन्फ्लेमेशन जो मिल जाते हैं, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन, जो ये स्मोकिंग का है, जो पोल्यूशन का है, जो चूल्हा स्मोक का है, तो इन्फ्लेमेशन काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन से हमेशा जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं या कोई भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं, वो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है हमेशा। राइट, तो और भी एयरबेज पोल्यूशन में और भी केमिकल्स भी बहुत सारे होते हैं, डीजल एग्जॉस्ट होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनसे ये आस्मा ट्रिगर करता है। तो जो मैं समझ पाया हूँ सर, आपने ये बोला कि अगर किसी की एलर्जी की हिस्ट्री है और उसको एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी ऐसे ट्रिगर जो आपने धूल, माइट्स, पोलन ग्रेन बताए, उससे हमारे नीचे की विंड पाइप एंड तक लंग में उसको सूजश आ जाती है, जिसके कारण उसमें जो एयर पास करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और इसलिए पेशेंट का सांस फूलता है। राइट, बहुत बहुत ही सरल भाषा में। तो सर इसमें हम क्या टेस्ट कौन से करते हैं, क्या हम ब्लड टेस्ट करते हैं या कोई और टेस्ट करते हैं सर? जो मेन इसका टेस्ट होता है, हम उसको कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। उसमें एक पेशेंट को एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जोर से सांस खींचकर उसमें छोड़ना होता है, हमें उससे पता चलता है कि लंग्स में उनके रुकावट कितनी, और वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह होता है, हर हॉस्पिटल में होता है, और उसकी कॉस्ट भी बड़ी बड़ी नॉमिनल सी है, 500 से लेकर 2000 रुपीज तक रहती है। राइट, एंड वंस इट इज डायग्नोस सर, जब बाकी सारी बीमारियों के लिए गोलियां बनी हैं, इन्फ्यूजन्स बने हैं, इंजेक्शंस बने हैं, तो ये इनहेलर नाम की चीज सिर्फ अस्थमा के लिए क्यों बनाई गई, कहां से शुरू हुआ, व्हाट हैज बीन द आपको एक छोटी सी अगर टाइम है तो हिस्ट्री है, इनहेलर बना कैसे, जी, ये आया कैसे। एक बहुत इंग्लैंड के एक मैन्युफैक्चरर थे जो परफ्यूम्स बनाते थे, परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उनकी डॉटर को एस्मा होता था, उनकी डॉटर को एस्मा होता, उस टाइम पे बहुत पुराने जमाने पे पत्तियों को जला के ना पेशेंट के सामने रखा जाता था, ताकि पेशेंट उनको सूंघते थे और सांस की नलियां खुल जाती थी। तो उस डॉटर ने अपने फादर को बोला कि आप परफ्यूम्स बनाते हो, आप कुछ ऐसी चीज बनाओ जो सीधी मेरे लंग्स के अंदर जाए और मुझे उसमें हेल्प मिले। तो उस फादर ने अपनी डॉटर के लिए वो इनहेलर बनाया। तो उस टाइम जो इनहेलर का जो डिवाइस है वो आज भी वैसा ही चलता आ रहा है, वो थोड़ा सा चेंज जरूर है, बट उसका जो मैकेनिज्म है वैसे ही है, पेशेंट को पफ करना पड़ता है और उसको खींचना पड़ता है, तो मैकेनिज्म वही है। इसमें फंडा ये होता है कि दवाई होती है जो आप पहले मुंह से लेते हो, पहले पेट में जाती है, पेट से होके ब्लड में जाएगी और ब्लड से होके आपके लंग्स में जाएगी। इनहेलर से वो दवाई कम मात्रा में सीधी आपके लंग्स में जाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जल्दी आराम आएगा और बहुत सस्ती पड़ती है। और इनहेलर का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल ये होता है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, आप प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं दे सकते हो, कोई भी दवाई रिकमेंडेड नहीं होती, बहुत कम होती है, एक इनहेलर ही एक ऐसी चीज है जो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। तो इट इज सच अ सेफ थिंग।
what are the various types of inhalers which are available, sir, and what is the latest in that? Most of the inhalers, they contain two things. The two things are, one is a bronchodilator, one, and the other is corticosteroids. Inhaled corticosteroids. Most of the inhalers jo market mein, India mein, abroad and kahin pe bhi, most of the inhalers for asthma, they contain two things. One is bronchodilator, short acting hote hain jo turant kaam karte hain, aur long acting hote hain jo lamba time tak kaam karte hain. Unke saath mein mixture hota hai inhaled corticosteroid ka, kyunki jo asthma ke jo patients hote hain unki jo wind pipes hoti hain unme sujan aati hai. सूजन आने की वजह से सांस की नालियां पतली हो जाती हैं. अगर हम इनहेलर बनाते हैं तो उनमें हम ये दोनों चीजें डालते हैं. सांस की नलियां जो होती हैं, एयरवेज होती हैं, दे ओपन अप विद ब्रोंकोडायलेटर्स, और जो सूजन होती है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एकदम ठीक होते हैं. तो इसलिए पेशेंट को जल्दी आराम आता है और लंबे टाइम तक आराम रहता है. राइट. तो सर, इसमें हम सुनते हैं कि मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं, तो इन सब में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, मीटर डोज इनहेलर आपको मैंने बताया, जो मीटर इनहेलर आते हैं, अभी मेरे पास यहाँ तो पड़े नहीं, इनहेलर फॉर्म में आते हैं जो मिस्ट फॉर्म में होते हैं, है ना, मिस्ट फॉर्म में होते हैं. और जो ड्राई पाउडर इनहेलर्स आते हैं उनमें कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, जो कैप्सूल किसी मशीन में डालकर पेशेंट को दिया जाता है और पेशेंट को उसको खींचना होता है. तो वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसकी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं, पेशेंट को देखकर देते हैं, पेशेंट की कंडीशन को देखकर, पेशेंट की सिवियरिटी को देखकर, और पेशेंट की चॉइस सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है. पेशेंट क्या प्रेफर करता है, कई बार पेशेंट डीपीआई प्रेफर करते हैं, जो ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं, छोटा सा कैप्सूल होता है, मशीन में डाला जाता है, और कुछ पेशेंट इनहेलर भी प्रेफर करते हैं. व्हाट आर द कॉमन, बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव. एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच पीपल डू व्हाइल यूजिंग इनहेलर्स? सबसे बड़ी मिस्टेक तो है कि वो लेते ही नहीं है. अगर वो लेना शुरू कर दें तो आधी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएंगी. दूसरी मिस्टेक है, वो कभी कभी लेते हैं डर के मारे कि कहीं आदत नहीं पड़ जाएगी या साइड इफेक्ट्स नहीं हो जाएगा, तो कभी कभी लेते हैं. जो मेंटेनेंस थेरेपी होती है, जो डॉक्टर्स बताते हैं रेगुलर लेना पड़ता है और धीरे धीरे कम करना होता है, उस तरह से नहीं करते हैं. जब भी यूज उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ले लेते हैं, इस तरह से बीमारी बढ़ती रहती है. तो उनको रेगुलर दवाई लेनी चाहिए जैसे उनके डॉक्टर उनको सलाह देते हैं. बाकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इनहेलर को लेने में, उसको शेक करना बहुत जरूरी होता है. कभी भी आप अगर मीटर डोज इनहेलर को लेने से पहले उसको अच्छी तरह से शेक करना होता है. और आजकल हम मीटर डोज इनहेलर डायरेक्ट नहीं देते हैं, हम हमेशा स्पेसर में डाल के देते हैं. एक डिवाइस आता है जिसमें इनहेलर को लगा दिया, अटैच किया जाता है, और उसके थ्रू पेशेंट को लिया जाता है. राइट. एंड बच्चों में सर, इस चीज का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, बच्चों में बीमारी तो वही है, सूजन भी वही है, सांस की नलियां, विंड पाइप पतली भी वैसी होती हैं. सिर्फ हमें पेरेंट्स को समझाने में मुश्किल होती है कि पेशेंट, जैसे ही हम बच्चे के मदर फादर को बोलते हैं कि बच्चे को एस्मा है, तो एकदम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में ये रहता है कि दमा बहुत छुआछूत वाली बीमारी है, ऐसी बीमारी है ना, डर जाते हैं. बल्कि ना तो ये छुआछूत वाली बीमारी है, किसी के साथ बैठने से या खाने से नहीं होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम है ना. और बच्चों में भी वैसी होती है जैसे बड़ों में होती है, दवाई भी वही होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे छोटे एक दो साल के बच्चे होते हैं, वो दे प्रेफर नेबुलाइजेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि भाई नेबुलाइजेशन तो सेफ है, अगर बच्चे को इनहेलर दिया जाएगा तो उससे उसको नुकसान हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी. बल्कि उल्टा है, इनहेलर में डोज बहुत कम मात्रा में होती है, माइक्रोग्राम्स में होती है, और वही डोज जब आप नेबुलाइजर में देते हो तो 5 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है. तो नेबुलाइजर से ज्यादा डोज जाती है लंग्स के अंदर, जितनी जरूरत नहीं होती है, और इनहेलर से बहुत कम डोज जाती है. दवाई वही रहती है बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी. सर, आपने एक नेबुलाइजेशन बोला, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएंगे सर कि नेबुलाइजेशन और नेबुलाइजर होता क्या है? नेबुलाइजेशन में भी डॉक्टर साहब वही दवाइयां रहती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं. सिर्फ फर्क ये रहता है, नेबुलाइजेशन थेरेपी में हम उन लोगों को देते हैं जो बहुत ही या तो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से नीचे हैं, जो स्पेसर के साथ 2 साल से नीचे हैं, इनहेलर नहीं ले सकते हैं, या जो बहुत बुजुर्ग हैं जो नहीं समझ सकते इनहेलर को कैसे खींचना है, या डीपीआई को कैसे खींचना है, या किसी और वजह से
कोई और प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या डिमेंशिया है या और कोई है ना, और किस तरह की दिक्कत है, उनको समझ पाने में दिक्कत है, खींचने में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को नेबुलाइजेशन दिया जाता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा सिकनेस होती है उन लोगों में दिया जाता है, बहुत ज्यादा सिक पेशेंट होते हैं, होम थेरेपी में भी हम नेबुलाइजेशन देते हैं, हॉस्पिटल्स में कॉमनली नेबुलाइजेशन ही दिया जाता है। सर आपने स्टेरॉइड्स का मेंशन किया और अभी कोविड ने सबको ये सिखाया कि स्टेरॉइड लेना अच्छी बात नहीं होती है, तो फिर स्टेरॉइड इनहेलर के भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? स्टेरॉइड मैंने जैसे अभी बताया, जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उन्हीं की डोज मैं आपको बता रहा था, वो बहुत ही कम डोज में होता है, माइक्रोग्राम्स में होता है। मैक्सिमम जो डोज मार्केट में आती है 500 माइक्रोग्राम आती है, किसी भी इनहेलर में 500 माइक्रोग्राम होती है। तो आप 1 मिलीग्राम की आप देखो, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं, और 500 मिलीग्राम की कई बार लोग क्रोसिन की पैरासिटामोल की गोली खा जाते हैं। तो अब जस्ट इमेजिन माइक्रोग्राम्स में डोज है वो आपके लंग्स में जा रही है, और मैं वो भी मैंने बताया आपको कि प्रेगनेंसी तक में अगर हम 500 वाला इनहेलर भी दो सवेरे दो शाम में देंगे, 9 महीने देंगे, तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसके बाद सिर्फ आपको गार्गल्स करने होते हैं। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज एब्सोल्युटली सेफ, इवन इन प्रेगनेंसी इट कैन बी गिवन, व्हेन इट कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी इट मीन्स इट कैन बी गिवन टू एवरीबॉडी फ्रॉम एज 1 to 90 years। सर हमने स्टार्ट किया एलर्जी से, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें तो अस्थमा एलर्जी है, इसका तो कंप्लीट इलाज हो जाएगा, पर ये एक भ्रांति है जो कि जिसमें लोग लॉन्ग टर्म इनहेलर यूज को भी स्टिग्मेटाइज करते हैं, राइट? तो मैं इस पे आपका आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ूंगा कि एलर्जी का कोई इलाज है कि नहीं। देखिए अगर आप अगर ओपीडी में बैठते हैं तो मोस्टली लोग आते हैं, आप एलर्जी टेस्ट करा दीजिए हमारा। कई पेशेंट को पता होता है कि भाई उनको फलाना फलाना चीज से एलर्जी है, उसका अवॉइडेंस इज द की। अगर आपको पता है कि मेरे को फलानी चीज से एलर्जी है तो उससे बचना बहुत जरूरी है। आप उसका उसका तोड़ नहीं है कि अगर आपको दही खाने से दिक्कत होती है, आप डॉक्टर को कहें कि मुझे दही खिलवा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। दही अगर आपको दिक्कत करती है तो दही को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ केसेस में जिन चीजों से एलर्जी होती है, बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आई डोंट रिकमेंड टू ऑल माय पेशेंट्स, बट इम्यूनोथेरेपी करी जाती है उसमें, पर वो बहुत ही आगे चल के हम लोग करते हैं, नॉट इन ऑल पेशेंट, बहुत ही सेलेक्टेड पेशेंट में, जस्ट 4-5% पेशेंट में हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिवियरिटी ज्यादा रहती है। राइट राइट। एंड सर ओवर द एजेस इनहेलर वाज द ब्रेक थ्रू आफ्टर स्टेरॉइड इंजेक्शंस एंड ऑल, so what is the latest in the management of asthma therapy now? Latest, देखिए जो भी conventional therapy है, मैंने बताया inhalers हैं, उसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, bronchodilators हैं, inhaled corticosteroids हैं, the second class of drug is montelukast है, वो भी बहुत दी जाती है market में, और अच्छी भी drug, अच्छी drug मानी जाती है। उसके बाद allergy testing, immunotherapy रहती है, selected cases में दी जाती है, देन बायोलॉजिकल्स आर देयर, बायोलॉजिकल्स होते हैं, आजकल इंडिया में वही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं जो आउट अब्रॉड में हैं। तीन चार तरह के हमारे पास बायोलॉजिकल्स हैं, ओमालीजुमैब है, निपोलीजुमैब है, बेनरैलीजुमैब है, ये भी सेलेक्टेड केसेस में दिए जाते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की थेरेपी रहती है इसमें, और सेलेक्टेड केसेस में दिए जाते हैं, सभी में नहीं दिए जाते। और उससे भी अगर हम एडवांस में जाते हैं तो देर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी कहा जाता है, वो भी बहुत कॉस्टली एक सर्जिकल एंडोस्कोपिकली प्रोसीजर होता है, लंग्स के अंदर जाके एक प्रोसीजर किया जाता है, वो भी बड़ा कॉस्टली है, पर दैट इज ऑल्सो नॉट 100% एंड दैट इज ऑल्सो डन इन अ वेरी वेरी सेलेक्टेड केस। तो मोर ऑर लेस अगर दिया देखा जाए जनरल पब्लिक के लिए 95% अगर फॉर्मली लगाएंगे तो इनहेलर इज द बेस्ट ऑप्शन, नो साइड इफेक्ट्स एंड कैन बी टेकन फॉर maybe 50 long years with no side effects. Wow. And sir, what do you see as the pulmonary rehabilitation as a therapy for asthma patients who are on maintenance dose of inhalers? Rather than asthma, rehabilitation is more effective in COPD patients. COPD patient mein hame pata hota hai ki lungs form improve nahi kar sakte hain kisi bhi halat mein, because cigarette smoking ki wajah se ya chula smoking ki wajah se जो लंग्स पे इफेक्ट होता है, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल काइंड ऑफ थिंग। जितना भी आप इनहेलर्स दे दो,
न्यूट्रिशनल थेरेपी दे दो, प्रोटीन्स दे दो, है ना, सब कुछ दे दो. द अल्टीमेट थिंग इज पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, बिकॉज हम लंग्स को इम्प्रूव तो नहीं कर सकते, बट उसके ऊपर जो मसल्स हैं, है ना, मसल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं. अगर मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी, डायफ्राम में स्ट्रेंथ आएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, तो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाता है. तो इसलिए हर पेशेंट में COPD में वी स्टार्ट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ COPD. इट कैन बी स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ COPD ओनली. राइट, थैंक यू सर. आपकी डेट में रिहैबिलिटेशन इज द की इन COPD मैनेजमेंट. राइट, सो थैंक यू सर. आई थिंक टू सम इट अप, asthma is an allergy which has a family history. It is a reversible disorder. Life can be very, very normal agar aap regularly maintenance dose inhalers kare. Exacerbation ya jisko bolte hain ki dame ka attack aana, inhalers ke upar bahut kam ho jata hai. Right sir? Aa hi nahi sakta agar aap doctor ki baat manenge, properly dawai lenge. To I have never admitted a young patient in last 10 years asthma ki wajah se. हो ही नहीं सकता. अगर पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन लेगा तो एडमिट हो ही नहीं सकता. राइट, एंड सर ने बोला कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को ये दे सकते हैं या 50 साल तक लगातार लेने के बाद भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो हमें इन भ्रांतियों में नहीं आना है कि इनहेलर की आदत पड़ जाएगी. इनहेलर की आदत डालनी है ताकि आप अस्थमा से बच सके, जो कि एक रिवर्सिबल एलर्जी है, जो कि जैसे हम गोली खाने से जुकाम ठीक हो जाता है, वैसे इनहेलर लेने से आपका अस्थमा ठीक हो सकता है. थैंक यू सो मच सर. वी हैव रीच्ड टू मोर देन 500 पीपल एंड दिस वीडियो हैज बीन शेयर्ड मोर देन 100 टाइम्स इन द लास्ट हाफ एन आवर. थैंक यू सो मच. यू आर अ वेरी बिजी फिजिशियन. थैंक्स फॉर योर टाइम. ओके.